Hello and welcome everybody. Welcome back to my channel When Humanities is Life. इसके पहले जो वीडियो आया था इट was ऑन द फर्स्ट पार्ट ऑन द चैप्टर ऑन जुडिशरी जो कि आपके क्लास 12th लीगल स्टडीज़ NCERT की पहली चैप्टर है. इस सीरीज़ में हम सारे चैप्टर्स को वन बाई वन कवर कर रहे हैं एंड दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर ऑन जुडिशरी. तो इन द लास्ट वीडियो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द पोर्शन ऑन PIL एंड ए सब्सटैंशियल पोर्शन ऑन द सुप्रीम कोर्ट. इस वीडियो में हम एक छोटा सा सबसेक्शन करने वाले हैं ऑन हाई कोर्ट्स एंड लोअर कोर्ट्स एंड देन वी विल प्रोसीड विद द रेस्ट ऑफ द चैप्टर. अब हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं इन ऑल द स्टेट्स दे आर नोन एज द कोर्ट्स ऑफ द लोएस्ट इंस्टेंस. क्यों? क्योंकि हमारे जो लिटिगेंट्स हैं वो यहीं पे जाते हैं उनके डिस्प्यूट्स को लेके और इनकी जो प्राइमरी फंक्शन है वो फैक्ट्स को इस्टेब्लिश करना है. दे इस्टेब्लिश कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है ये सारी चीज़ें वही इस्टेब्लिश कर देते हैं. फिर अगर हम खुश नहीं हैं ऐसे जजमेंट से तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे फिर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे. उसके ऊपर और कोई अथॉरिटी नहीं है. और हमारे जो हाई कोर्ट्स है हायर कोर्ट्स है जो कि हम अपीलेट कोर्ट्स भी कहते हैं देयर मेन फंक्शन इज इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ एंड दे ऑल्सो इंश्योर कि हमारे जो लॉज एप्लीकेबल होंगे केस पे या फिर एक सिचुएशन पे वो सही हो. फिर हमारे जो हाई कोर्ट्स है दे हैव अ वाइड रेंज ऑफ रिट ज्यूरिसडिक्शन. दे कैन इन्फोर्स आवर फंडामेंटल राइट्स बाय पासिंग द रिट्स. रिट्स मतलब सपोज जो हमारे मैंडेमस हो गया हीवियस कॉर्पस हो गया सर्टियरी हो गया ये सारे रिट्स है जो कि आपके टेक्स्ट बुक में भी है वो हम एक सब्सिक्वेंट पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं इन ग्रेट डिटेल. और हाई कोर्ट्स के पास एक वाइड रेंज ऑफ सुपरिंटेंडेंस पावर्स भी है. देन वी कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ द इंडियन जुडिशियरी. अब एक बात है कि हमारे जो पार्लियामेंट है दे कैन नॉट टेक अवे द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. वाई इज दिस प्रोविजन सो इम्पॉर्टेंट? बिकॉज इट इस्टेब्लिशेज द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी. हमारे जो तीन ऑर्गन्स है एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी और लेजिस्लेचर अगर ये ठीक से परफॉर्म नहीं करेंगे अगर एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के ऊपर डोमिनेट करेंगे तब द डेमोक्रेसी विल बी सस्पेंडेड. इसीलिए तीनों ऑर्गन की ऑटोनॉमस होना और इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और एक थ्योरी है थ्योरी ऑफ कंस्टिट्यूएंट मैकेनिज्म. इट इस्टेब्लिशेज द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी एंड This independence of judiciary is often considered to be the independence of the judges, the respective judges. हमारे जो judges हैं Supreme Court की High Court की ये सारे judges को independent रहना है. यही है independence of judiciary. फिर Simon Chetrit जो है जो कि एक jurist थे उनकी उन्होंने एक book लिखा था Culture of Judicial Independence, Judges on Trial. इसमें उन्होंने ये लिखा कि जजेस ऑट टू फंक्शन इन एन अनबायस्ड मैनर. ये जो स्टेटमेंट है दिस इज सजेस्टिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. वो क्या है? वो है इम्पार्शियलिटी ऑफ द जजेस. द जजेस हैज टू फंक्शन इन एन अनबायस्ड मैनर. बट इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी इज डिफरेंट फ्रॉम द इम्पार्शियलिटी ऑफ द जजेस. क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंस रेफर्स टू द स्टेटस एंड द पोजिशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड इम्पार्शियलिटी रेफर्स टू द कंस्टिट्यूएंट एक्टर्स द कंस्टिट्यूएंट जजेस. ठीक है, इसीलिए ये डिफरेंस है. इंडिपेंडेंस रेफर्स टू द कोर्ट, इम्पार्शियलिटी रेफर्स टू द जजेस. याद रखना. फिर प्रोविजंस रिलेटिंग टू द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी. पहले बात तो ये की जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पार्लियामेंट हमारे जुडिशियरी की राइट्स को कर्टेल नहीं कर सकते. उनके पास सब्सटैंशियल कोई राइट नहीं है जिससे वो ये कर सके. और हमारे जुडिशियरी को काफ़ी सारे राइट दिया गया है. दे हैव अ वास्ट अपीलेट ज्यूरिस्डिक्शन एंड दे ऑल्सो हैव अ रेंज ऑफ सप्लीमेंट्री पावर्स. हो गया. और जैसे कि हम जान चुके हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी इज ऑलमोस्ट सिनोनिमस टू द इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस. तो जजेस की सिक्योरिटी हो ऐसे कौन सा पॉइंट्स है यही अब हम डिस्कस करने वाले हैं. पहले तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर. एक बार इनकी अपॉइंटमेंट हो जाए दे आर प्रोवाइडेड विद दिस. 65 इयर्स के पहले आप सुप्रीम कोर्ट की जज को ऑफिस से नहीं निकाल सकते. वो रिटायर करेंगे तभी वो बाहर निकाल सक
जाते हैं, उसके पहले नहीं। ऑब्वियसली अगर वो मिसबिहेव करे तो फिर और भी मैकेनिज़म्स है। और हाई कोर्ट की जो जजेस है उनकी रिटायरमेंट एज है 62 ईयर्स, ठीक है, उसके पहले उन्हें रिमूव नहीं किया जा सकता। एंड देयर इज ऑल्सो अनदर थिंग हियर, जजेस आर नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस एज एडवोकेट्स इन द सेम और इक्विवेलेंट कोर्ट्स पोस्ट देयर रिटायरमेंट। एक बार रिटायर कर जाए हमारे जजेस फिर वो एक ही बेंच पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। क्यों? ताकि वो अगर फेमिलियर हो जाए बार के साथ, लॉयर्स के साथ, फिर वो इम्पार्शियली काम नहीं कर सकते, देन पर्सनल रीजंस विल कम इन बिटवीन। इसीलिए हमारे जो रिटायर्ड हाईकोर्ट की जज है दे कैन प्रैक्टिस इन द सुप्रीम कोर्ट बट नॉट इन द सेम और एनी अदर हाई कोर्ट। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, दे कैन नॉट बी रिमूव्ड ईजिली, दे कैन ओनली बी रिमूव्ड ऑन टू ग्राउंड्स, वो क्या है, प्रोवन मिसबिहेवियर और इनकेपैसिटी। अब आपको एग्जाम में बिल्कुल यही दो पॉइंट्स लिख के आना है, मुश्किल भी नहीं है, बस ये दो वर्ड्स ही तो है, प्रोवन मिसबिहेवियर, इनकेपैसिटी, और इसके अलावा और कोई एक्सप्लेनेशन आप नहीं देंगे ग्राउंड्स की, ठीक है। दे कैन बी रिमूव बाई द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट एंड देर आर ओनली टू टर्म्स फॉर इट, दीज आर द टू टर्म्स। फिर हम आते हैं उनकी सैलरीज और पर्क्स पे। सी द जजेस के नॉट बी डिसएडवांटेज्ड बाई यू नो डिक्रीजिंग द सैलरीज बाई द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कुछ ऐसे नहीं कर सकते जिससे उनकी सैलरी कम हो जाए, उनके पर्क्स, इमोल्यूमेंट, सैलरीज, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द वोट ऑफ द पार्लियामेंट। इनफैक्ट हमारे जो सुप्रीम कोर्ट की जजेस है उनकी सैलरी कहाँ से लिया जाता है, फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। हम लोग जो टैक्स देते हैं हमारे सेंटर के जो फंड है उसी से हाईकोर्ट्स की सैलरी दिया, हाईकोर्ट जजेस को सैलरी दिया जाता है। एंड इन केस ऑफ द हाईकोर्ट जजेस देयर सैलरी इज डिराइव फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उनकी जो परफॉर्मेंस है, वो जो भी डिसीशन रेंडर करेंगे उसके बारे में कहीं पे डिस्कशन नहीं हो सकते, कोई भी डिस्कस नहीं कर सकते कि ये जज ने ये गलत किया, उनके डिसीशन फाइनल डिसीशन है। देयर कैनॉट बी एनी डिस्कशन ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट अबाउट द कंडक्ट ऑफ द जज। ऑब्वियसली एक एक्सेप्शन है, जब ये इम्पीचमेंट की प्रोसीडियर चल रहा है तभी पार्लियामेंट में एक जज की कंडक्ट के बारे में डिस्कस किया जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। देन द सुप्रीम कोर्ट हैज़ इट्स ओन एस्टेब्लिशमेंट एंड इट ऑल्सो हैज़ कम्प्लीट कंट्रोल ओवर इट। फिर हम आते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस पे, ये आपके पार्ट सी है। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं इन्हें कैसे अपॉइंट किया जाता है। नाउ आर्टिकल 124 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट एक्सप्लिसिटली मेंशंस दैट द सुप्रीम कोर्ट जज हैज़ टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग अदर जजेस। ये एग्जैक्टली वो लैंग्वेज है। एंड कौन से इंसान एक सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए क्वालिफाइड होंगे, पहले तो द पर्सन हैज़ टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड अ हाई कोर्ट जज फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स और ए हाई कोर्ट एडवोकेट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स और अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, पाँच साल की जज होना होगा हाई कोर्ट में और टू और मोर हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन और 10 साल के लिए एक हाई कोर्ट की एडवोकेट होना पड़ेगा। फिर हम चलते हैं हाई कोर्ट जजेस पे। नो आर्टिकल 217 आर्टिकल 217 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट हाई कोर्ट जज हैज़ टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट। और इनके क्वालिफिकेशन क्या क्या होंगे, पहले तो सिटीजन ऑफ इंडिया, held the judicial office for 10 years or has been an advocate of a high court or more than one sub courts for 10 years in succession. तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में एक 5 साल है और एक 10 साल है, हाई कोर्ट में दोनों ही 10 साल है। ठीक है, वी फॉलो द कोलिजियम मॉडल जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। और सब कोर्ट्स की जजेस को कैसे अपॉइंट किया जाएगा, इस आर्टिकल नंबर है आर्टिकल 233 एंड
the sub-court judges are appointed by the governor in consultation with the high courts exercising jurisdiction over the district. Or qualification kya kya hoga, pehle to has been a member of the judicial service of the state and at least has a 7 years of experience. Bas aur kuch nahi hai, isse precise information aapko kahin nahi milega. So just, you know, look, write the notes with me and please like and subscribe if you're liking the video. Please do this. Now the next part, the current practice in the appointment of judges. इसमें हम बात करने वाले हैं द कोलीजियम मॉडल के बारे में. कोलीजियम मतलब क्या, पहले ये समझते हैं. कोलीजियम मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है. कुछ अथॉरिटीज़ एकजुट होके हमारे जजेस को सिलेक्ट करते हैं. तो पहले हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट जज की अपॉइंटमेंट के बारे में. पहले तो द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल कंसल्ट द फोर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ये एक कोलिजियम हो गया, एक ग्रुप हो गया, वो कुछ डिसाइड करेंगे. उनकी जो डिसीशन है इट इज़ गोइंग टू बी कम्युनिकेटेड टू द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस. वो फिर कहेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर से, ठीक है. और प्राइम मिनिस्टर विल देन एडवाइज द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट द जज, ठीक है. बहुत ही आसान है, बिल्कुल. और ये जो अपॉइंट होते हैं हमारे जजेस, कौन सी फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर द जज टू बी अपॉइंटेड एज अ आई मीन एज अ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? सीनियोरिटी. सीनियोरिटी एलिवेट्स द जज ऑफ हाई कोर्ट और सब कोर्ट्स टू द लेवल ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज. फिर अब हम आते हैं एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कोलिजियम मॉडल पे. हमारे जो हाई कोर्ट जज सिलेक्ट होते हैं उनके कोलिजियम थोड़ा सा मुश्किल है, बट आप ऐसे सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे, आई एम श्योर अबाउट दैट. पहले तो हमारे हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, यहाँ पे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है. जस्ट अ सेकेंड. हाँ, तो हमारे हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस है वो दो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द हाई कोर्ट से कंसल्ट करेंगे. यहाँ पे वो एक कोलिजियम बना रहे हैं, एक ग्रुप बना रहे हैं. उनके जो डिसीशन है, उनकी जो फाइनल डिसीशन है, दैट इज़ गोइंग टू बी कम्युनिकेटेड टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट. फिर वो अपने डिसीशन यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस को बताएंगे. यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस फिर वो सब कुछ, द एंटायर मटीरियल विल देन बी फॉरवर्डेड टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. फिर समझिए आप, सेंट्रल लेवल में चला गया उनका डिसीशन. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल देन कंसल्ट विद टू सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. यहाँ पे एक और कोलिजियम बन रहे हैं, एक और ग्रुप बन रहे हैं. देन अगेन द डिसीशन इज गोइंग टू बी गिवन टू द यूनियन मिनिस्टर ऑफ जस्टिस. ही विल गिव इट टू द प्राइम मिनिस्टर, ही विल गिव इट टू द प्रेसिडेंट. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आई नो इट, बट कोई ना, आप पढ़ो, दो तीन बार हो जाएगा. तो दो बार कोलिजियम फॉर्म कर रहे हैं और दो बार हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस को के पास हमारी इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, ठीक है. यही है कोलिजियम मॉडल हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, और कुछ नहीं है. अब ये जो हमारे सुपर कॉम्प्लिकेटेड कोलिजियम मॉडल है, ये बने कैसे, दैट्स अ क्वेश्चन. एंड दिस गॉट फॉर्म्ड इन द आफ्टरमैथ ऑफ 3 हिस्टोरिकल केसेस. और वो क्या क्या है वो हम जानेंगे. पहले तो एज बैक एज इन 1958 तब हमारे 14th लॉ कमीशन बने और उसकी रिपोर्ट में M.C. सेतलवर, जो कि हमारे इंडिया के फर्स्ट अटॉर्नी जनरल है. अभी हम लास्ट वीडियो में अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल के बारे में कर चुके हैं. वी नो हु इज़ अटॉर्नी जनरल, वी नो द आर्टिकल नंबर, आर्टिकल 76. तो आप अगर वो नहीं समझ पाए हैं और अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देख लीजिए. आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो M.C. सेतलवर जो है द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल, इन द 14th लॉ कमीशन रिपोर्ट ही हाईलाइटेड दैट हमारे इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे अपॉइंटमेंट किया जा रहा है जजेस की ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल, रीजनल एंड कम्युनल ग्राउंड्स.
ऑब्वियसली मतलब एक फेवर किया जा रहा है पॉलिटिकली जो इन्फ्लुएंशियल है उसका उसके बेटे को जज बना दिया, ये तो सही नहीं है. देन दे वोंट हैव एनी मेरिट, द एलिजिबल वंस विल बी डिसएडवांटेज्ड एंड इट्स ऑल अ क्योर्स. ठीक है, तो एक सीरीज ऑफ जुडिशियल डिसीशंस है जो कि हमारे कोलिजियम मॉडल को बनाते हैं. अब आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ ऐसे दिया गया है, फर्स्ट जजेस केस, सेकेंड जजेस केस, इसलिए हमने नोट्स में यही लिखा. बट हम समझाते वक्त आपको केस के नाम बता देंगे, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन सर्च द इंटरनेट. तो हमारे पहले जो फर्स्ट जजेस केस है, इट वॉज रजिस्टर्ड इन 1981 एंड दिस केस वॉज द एस पी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ऑफ 1981. तो इस केस में क्या हुआ, हमारे जो एग्जीक्यूटिव है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उसके हाथ में काफ़ी सारे पावर्स दिया गया. इट गेव प्रीमेसी टू द एग्जीक्यूटिव एंड आई एम सो सॉरी, एग्जीक्यूटिव के हाथ में प्रीमेसी दिया गया, इसके मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रीमेसी नहीं दिया गया. सी जी आई इज़ अ पार्ट ऑफ द जुडिशियरी और उनके रिकमेंडेशन को रिफ्यूज़ भी किया जा सकते हैं इफ़ देर आर सम कोजेंट रीजन्स. इस डिसीशन के वजह से जुडिशियरी को काफ़ी ज़्यादा अंडरमाइन कर दिया, इसीलिए काफ़ी सारे यूनिलैटरल अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस हो गया इन द सब्सिक्वेंट फ्यू ईयर्स. इसीलिए हमारे सेकेंड जजेस केस जो है ऑफ 1993, विच वाज द केस फॉट बिटवीन एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया, ये जो केस था, हियर इट्स रिटन दैट चीफ जस्टिस की जो ओपिनियन है उसको इम्पोर्टेंस देना है एंड वी हैव टू कंसल्ट जजेस टू. अब इसमें एग्जीक्यूटिव एलिमेंट जो है, इसमें हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उनकी जो ओपिनियन है बिल्कुल ज़ीरो हो गया. और ये जो डिसीशन है, दिस वॉज रेंडर्ड बाय अ 9 जज बेंच. अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मतलब क्या, एक से ज़्यादा जज एक डिसीशन दे रहे हैं और 9 जजेस एक बेंच में हैं, वो ये हिस्टोरिकल केस में डिसीशन दे रहे हैं. ठीक है, 9 जज बेंच में 5 जजेस इस डिसीशन को सपोर्ट कर रहे थे, 4 जजेस नहीं कर रहे थे. पर कोई ना, कुछ नहीं कर सकते, डिसीशन तो पास हो गया. एंड फॉर सो मेनी ईयर्स द सिचुएशन ऑफ अपॉइंटमेंट वॉज लाइक दिस. फिर 1998 में जाके एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हुआ, मतलब एक एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर एक केस हुआ. वो थर्ड केस ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग एस्टेब्लिश किया. वो क्या है कि ये जो हमारे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है, इट शुड बी अ इंटीग्रेटेड पार्टिसिपेटरी कंसल्टेटिव प्रोसेस. मतलब इसमें एक बहुत ज़्यादा बातचीत की ज़रूरत है, कंसल्टेशन की ज़रूरत है, बहुत सारे लोगों की पार्टिसिपेशन रहेगा, हमारे जुडिशियरी के पार्टिसिपेशन रहेंगे, एग्जीक्यूटिव की पार्टिसिपेशन रहेंगे. ठीक है, कंसल्ट हमें करना है. तो दिस वॉज एन एक्सट्रीमली वेल एक्सेप्टेड केस. पर इतने सब कुछ के बाद भी काफ़ी सारे कन्फ्यूशन होते आए हैं इन दीज ईयर्स एंड देर इज़ एन अमेंडमेंट प्रपोज टू द कोलिजियम मॉडल. मतलब कोलिजियम मॉडल को हमें हटा के एक नया वे हमें क्रिएट करना है जिससे हम जजेस को अपॉइंट करेंगे, जिसके लिए दे हैव प्रपोज दैट वी शुड क्रिएट अ जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन. इसका एम क्या है, एम इज़ टू रिप्लेस द कोलिजियम मॉडल. अब ये जो JAC है हमारे, इट विल बी कंस्टिट्यूटेड बाई होम, इट विल हैव द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज अ चेयरपर्सन, 2 सीनियर सुप्रीम कोर्ट जजेस, लॉ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एज द कोवेना एंड 2 एमिनेंट पर्सन्स. 2 ऐसे लोग रहेंगे हु इज़ गोइंग टू बी नॉमिनेटेड अगेन बाय अ कोलिजियम. आई नो इट्स इरिटेटिंग हियर, बट बहुत ईजी है ये पार्ट. ठीक है, तो ये जो 2 पर्सन रहेंगे, दे विल बी नॉमिनेटेड बाय अ कोलिजियम कंप्राइजिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोक सभा एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. अब ये जो केस है, अब ये जो अमेंडमेंट है, दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा इन 2013 इन अगस्त, बट अभी तक ये पास नहीं हुआ है एज अ एक्ट, इसीलिए इट इज़ नो लीगल इफेक्ट. अब हमारे जजेस जो डिसीशंस देंगे, उसके लिए उनके पास एजुकेशन, नॉलेज और ट्रेनिंग रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसीलिए आवर गवर्नमेंट हैव क्रिएटेड द NJA, नेशनल जुडिशियल अकेडमी. वाई? टू ट्रेन द सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस एंड द लीगल ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट.
ठीक है, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1993 वेयर इन भोपाल एंड इट हैज़ अ रजिस्टर्ड ऑफिस इन न्यू दिल्ली. और इसका एम है टू क्रिएट जुडिशियल रिफॉर्म्स एंड टू यू नो जेनरेट रिसर्च सपोर्ट सर्विसेज. अब 2006 में यही जो इंस्टीट्यूशन है इट हैज़ जेनरेटेड द नेशनल जुडिशियल एजुकेशन स्ट्रेटजी टू ट्रेन द हाई कोर्ट, द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड द स्टेट अकेडमीज. एंड इट ऑल्सो सीक्स टू इंक्रीज द और इन्हांस इन फैक्ट द ऑनलाइन स्किल्स ऑफ द जजेस. ऑब्वियसली टाइम के साथ साथ ऑनलाइन स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, इसीलिए यही सारी चीज़ें हमारे नेशनल जुडिशियल एजुकेशन स्ट्रेटजी करते हैं. ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको बस पढ़ना है ये पार्ट एंड आपको ये कीवर्ड्स याद रखना है. अब हमारा अपॉइंटमेंट देख लिया, इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस देख लिया, ट्रेनिंग भी देख लिया, अब हम रिटायरमेंट भी देख लेते हैं. तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज को 65 ईयर्स में रिटायर होना पड़ता है और हमारे जो हाई कोर्ट में जजेस है दे आर रिटायर एट 62 ईयर्स. और डिस्ट्रिक्ट जज कब रिटायर होते हैं, दैट इज डिसाइडेड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट्स. अब आपको नहीं लगता कि ये जो एजेस है रिटायरमेंट की ये काफ़ी ज़्यादा मतलब अर्ली है? इफ़ यू कंपेयर इट विद अदर कंट्रीज लाइक USA, UK, वहाँ पे जज जब तक कर सके तब तक अपने ऑफिस में कंटिन्यू करते हैं. बट इंडिया और काफ़ी अलग अलग देशों में 65 ईयर्स 62 ईयर्स में उनको रिटायर करना पड़ता है. ठीक है, फिर हम आते हैं दो बिल्स में. ये जो इशू है अबाउट द रिटायरमेंट एज ऑफ जजेस, दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट अ नंबर ऑफ टाइम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल द 114th अमेंडमेंट बिल ऑफ 2010, इट सीक्स टू इंक्रीज द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस फ्रॉम 62 टू 65 ईयर्स. ठीक है, तो हमारे हाई कोर्ट जजेस अब 62 नहीं 65 ईयर्स में रिटायर होंगे, ऐसे एक बात लेके हमारे यही अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस हुआ था पार्लियामेंट में. बट क्या हुआ, दीज द बिल इज डिबेटेड एंड इट्स स्टिल बीइंग पेंडिंग, ये पास नहीं हुआ है, एज अ रिजल्ट इट डजंट हैव एनी इफेक्ट. सिमिलरली इन केस ऑफ द हाई कोर्ट जजेस हमारे 2010 में क्या हुआ, एक वेंकटचालिया कमेटी को अपॉइंट किया गया टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इट ऑल्सो प्रपोज्ड टू इंक्रीज द एज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस फ्रॉम 65 टू 68 ईयर्स इन व्यू ऑफ द ग्लोबल कंपेरेटिव स्टैंडर्ड्स. बट अभी तक कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुआ है. आपको न्यूज़ देखते रहना है ताकि आपको पता चले कब क्या हो रहे हैं. तो वी कैन सी मैनी पॉजिटिव साइड्स ऑफ अर्ली रिटायरमेंट एज एंड मैनी फ्लिप साइड्स ऑफ इट टू. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हमारे इंडिया में क्यों जजेस को इतनी जल्दी रिटायर करवाया दिया जाता है, बिकॉज वो जब यंग रहते हैं दे कैन एक्सेल इन देयर फील्ड्स. विथ इंक्रीजिंग एज द क्वालिटी ऑफ सर्विस डिक्लाइंस. और अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा एजड है तब वो प्रॉपरली काम भी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए बिकॉज ऑफ द इनएबिलिटी टू प्रॉपरली इफेक्चुएट विद द वर्कलोड. अगर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होंगे तो उनके ही तो हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, इसीलिए हम जल्दी से जजेस को रिटायर करवा देते हैं और यंग जजेस को रिक्रूट करते हैं. पर ये जो अर्ली रिटायरमेंट एज है इसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो सीनियर लॉयर्स है विद एडिक्वेट एक्सपीरियंस एंड नॉलेज दे डिक्लाइन टू टेक जजशिप. अब लॉयर्स की तो कोई एज लिमिट नहीं है, वो जब तक चाहे मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं टिल द टाइम दे कैन. बट हमारे जजेस के एज लिमिट है, इसीलिए वो नहीं चाहते कि वो अपने मतलब करियर को कट शॉर्ट करें, इसीलिए वो जजशिप नहीं लेते हैं. हो गया, अब हम देख लेते हैं द रिमूवल ऑफ द जजेस, उन्हें अपने ऑफिस से रिमूव कैसे किया जाते हैं. तो इन जनरल दे के नॉट बी रिमूव्ड, दैट्स देयर सिक्योरिटी. पर अगर कोई ऐसे जज रूल्स को वायलेट करे तब हम उन्हें रिमूव कर सकते हैं एंड द प्रोसेस बाय विच वी कैन रिमूव देम इज नोन एज इम्पीचमेंट. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड देर आर टू टर्म्स, देर आर टू ओनली टू ग्राउंड्स ऑन विच दे कैन बी रिमूव्ड, यू नो दैट इट्स देयर ऑन दिस ऑन द नोट्स टू. तो ये जो प्रोसेस है वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं सारे पॉइंट्स. वेन एवर यू गेट अ क्वेश्चन ऑन हाउ कैन अ जज बी रिमूव्ड,
तब आपको यही 6 पॉइंट्स लिखना है। पहले तो देर विल बी एन इंक्वायरी, एक इन्वेस्टिगेशन होगा बाय अ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ 3 मेंबर्स ऑफ विच 2 आर जजेस। फिर ये जो कमिटी है उसकी रिकमेंडेशन को हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे। फिर ये जो प्रपोजल ऑफ इम्पीचमेंट है ये हमारे दोनों हाउसेस में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, मतलब अलग अलग करके इंट्रोड्यूस करना होगा और पास भी करना होगा बाय 2/3 मेजॉरिटी। तो द प्रपोजल हैज़ टू बी इंट्रोड्यूस्ड बाय एटलीस्ट 100 MPs इन द लोकसभा एंड 50 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। और ये जो प्रपोजल है इसके कॉपी हमारे जो कंसर्न जज है जिसे रिमूव किया जा रहा है उसे भी दिया जाएगा। एंड द मोशन हैज़ टू बी पास बाय 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन द पार्लियामेंट एंड वोटिंग। अगर ये सब कुछ हो गया, अगर ये 2/3 मेजॉरिटी भी आ गया, तब ही द प्रेसिडेंट विल मेक द फॉर्मल अनाउंसमेंट ऑन द इम्पीचमेंट ऑफ द जज एंड द एंटायर थिंग इज गवर्न बाय द जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1986 एंड आर्टिकल 124 पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जजेस को अपॉइंट करने के टाइम पे हम पढ़े थे आर्टिकल 124, यहाँ पे है आर्टिकल 124 पार्ट 4। ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को हम याद रखते हैं जब हम एक जज को अपॉइंट करते हैं। फिर एक एग्जांपल दिया गया है आपके टेक्स्ट बुक में, ये जो इम्पीचमेंट है इट वॉज सक्सेसफुल ओनली वंस। कब? जब जस्टिस सौमित्र सेन, हु वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ द कैलकटा हाई कोर्ट इन 2011, ही वॉज इम्पीच्ड फॉर द मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स। अब देखिए, टेक्निकली ही वॉज नॉट रिमूव बिकॉज जब उनके इम्पीचमेंट के पहले ही वो रिज़ाइन कर चुके हैं, बट आपके टेक्स्ट बुक में ये दिया नहीं गया है। तो आप लिखेंगे कि ये एक बार ही सक्सेसफुल हुआ है व्हेन जस्टिस सौमित्र सेन वॉज इम्पीच्ड फॉर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स। और एक और इंस्टेंस दिया गया है जब इम्पीचमेंट सक्सेसफुल नहीं हुए थे, व्हेन जस्टिस वी रामास्वामी हु वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट वॉज इम्पीच्ड। इट वॉज इम्पीच्ड, ए मोशन ऑफ इम्पीचमेंट वॉज इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम इन 1991, बट इट फेल शॉर्ट ऑफ 2/3 मेजॉरिटी एंड इट वॉज अनसक्सेसफुल। अब हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो जजेस है वो भी, उन्हें भी हम रिमूव कर सकते हैं, बट द रूल्स विल बी गवर्न बाय द स्टेट नॉर्म्स एंड इन सच अ केस द हाई कोर्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट वुड बी कंसल्टेड। ठीक है, अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये दो जो कोर्ट्स है, यहाँ की जो जजेस है उनकी इम्पीचमेंट के वक्त पे जो रूल्स है वो एब्सोल्युटली सेम है, जो प्रोसेस है वो सेम है। ठीक है, तो विद दिस वी कम टू एन एंड टू दिस पार्ट। अब वी आर लेफ्ट विथ ओनली वन पार्ट विच इज जुडिशियल रिव्यू एंड द अदर प्रिंसिपल्स, रिट्स एंड ऑल। वी आर गोइंग टू डिस्कस इन पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर। सो फॉर नाउ, बाय।